आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। चलिए अब बनाते हैं मटर पनीर। देखिए फ्रेंड्स, हमने पनीर को काट के रखा है। हमने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिए हैं एंड 100 ग्राम हमने फ्रेश मटर यूज किया है। आप चाहे तो इसके जगह फ्रोजन यूज भी कर सकते हैं, फ्रोजन मटर। और हमने 2 चम्मच दही लिए हैं, जो कि हमने अच्छे से फेंट लिए हैं। और मसाले में हमने यूज किया है 2 छोटे टमाटर, हमने बारीक काट लिए हैं, और तो 1 इंच अदरक, और 4 to 5 पर्स ऑफ लहसुन, और 1 छोटी सी प्याज जो कि हमने काट के रखे हैं, और 3 हमने ग्रीन चिली लिया है। आप चाहे तो आपके स्वाद अनुसार ले सकते हैं। इसको हम फ्राई करके इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हमने सूखे मसाले में लिए हैं, हमने यहाँ एक छोटी चम्मच जीरा लिए हैं, और मसाले में हमने 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, और थोड़ा 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और हमने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी लिए हैं, जो कि इसका स्वाद और अच्छा आएगा, और ऑयल लिए हैं हमने फ्राई करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके इसका मसाला तैयार करेंगे। हमने इसके लिए पैन चढ़ा लिया है। अब इसमें 2 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, तभी हमने फ्लेम हाई रखा है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए, फिर हम लहसुन और अदरक को डाल देंगे पहले, और प्याज। इस 3 चीजों को हमें 4 to 5 मिनट्स तक पकाएंगे, ताकि हमारा जो प्याज अच्छे से पक जाए और ब्राउन कलर आ जाए, लाइट ब्राउन कलर। इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे और ढक के पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला ना चले। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम टमाटर और मिर्च डाल देंगे। मिर्च डालते ही हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। इसको हम 3 to 4 मिनट तक ढक के पकाएंगे, ताकि जब तक हमारा टमाटर जो है नरम हो जाए और अच्छे से पक जाए। हमें एटलीस्ट 70 to 80% तक पकाना है। इसके बाद 30% हम मसाले के साथ उसको अच्छे से भूनेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है अब अच्छे से 70% तक पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। जब तक हमारा ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम जो पनीर है और पनीर और मटर को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरा पैन चढ़ा लिया है। अब उसमें 2 से 3 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हम पनीर को डाल देंगे और थोड़ा सा ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2 मिनट हो गया है। अब हम इसको पलटा देंगे। ध्यान से पलटाइए। अब इसको पलटा के हम और 1 से 2 मिनट तक पका देंगे, फिर हम पनीर को निकाल देंगे। इसे धीरे धीरे पलटाइए।
दो मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। गैस को लो फ्लेम में ही रखिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर जो है पक गया है। अब इसको निकाल के हम एक बाउल में रख लेंगे। हमने यहाँ पर फ्रेश मटर यूज़ किया है, तो हम इसको 4 से 5 मिनट तक भुनेंगे। अगर आप फ्रोजन मटर यूज़ करें तो उसको 1 से 2 मिनट तक बस गर्म कीजिए और इसको ढक दें, क्योंकि फ्रेश मटर जो है ना, तो बहुत ज़्यादा बॉयल फ्राई करते टाइम ऑयल का छिट्टे आपके ऊपर पड़ सकता है। देखिए हमारा जो मसाला है वो ठंडा हो गया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखिए इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मटर जो है वो अच्छे से पक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम सेम पैन में ग्रेवी बनाएंगे। देखिए हमारा पैन जो है गरम है, तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। हमारे पैन में ऑलरेडी ऑयल है, आपको अगर ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा ऑयल डालें। देखिए हमारा जीरा जो है पक गया है। अब इसमें हम रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे। पहले हल्दी पाउडर रेड चिली पाउडर डालते हैं, तो कि कलर जो है हमारा थोड़ा अच्छा आए। प्याज को हम लो फ्लेम में रखेंगे ताकि हमारा मसाला ना जले। हमारा जो है मसाला हो गया है। अब इसमें हम जो हमने ग्राइंड करके मसाला रखे थे उसको डाल देंगे। इसके साथ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट तक हम इसको चलाएंगे, उसके बाद हम इसमें कर्ड डालेंगे। ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है ना जले। देखिए हमारा मसाला जो है पक गया है। देखिए ध्यान रखिए, जब भी हम मसाले में कर्ड मिलाएं तो हमारा गैस लो फ्लेम में होना चाहिए। हमने ऑलरेडी लो फ्लेम करके रखा है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हम इसमें थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डाल देंगे। हमने वो मसाला वाला पानी यूज किया, चाहे तो प्लेन पानी भी, नॉर्मल पानी यूज कर सकते हैं।
और इसको 2 मिनट तक हम ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है अच्छे से पक गया, ऑयल हमारा ऊपर से आ रहा है, देख सकते हैं। इसको हम एक बार इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें पनीर और मटर को डाल देंगे। इसको हम 2 मिनट तक ढक देंगे और मीडियम फ्लेम में उसको पकाएंगे। देखिए, हमने जो मसाला बनाते टाइम उस टाइम में हमने नमक डाला था, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। अगर आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी वाइज पानी, हमने यहाँ पर आधा ग्लास से कम पानी डाला है। फिर इसको हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक बॉयल होने देंगे। देखिए, हमारा जो मटर पनीर है वो बन गया है। अब इसमें हम गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल देंगे। देखिए, गरम कसूरी मेथी को हाथ में लीजिए, पीसिए, फिर डाल दीजिए। इससे आपका जो स्वाद है और भी अच्छा आएगा और महक भी और अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मिला लें। गैस को बंद कर दें, इसको ढक दें और गैस को बंद कर दें और 30 सेकंड के बाद हम इसको सर्व करेंगे। देखिए, हमारा जो मटर पनीर है तैयार है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको आप पूरी, पराठा या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए, हमारा मटर पनीर जो है तैयार है। इसको आप घर पे बनाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।